नमस्कार, ओम शांति। पीस न्यूज की खास पेशकश में आपके साथ मैं हूं तुलसी। लाखों लोगों को परमात्मा शिव से मिलन कराने वाली बाल ब्रह्मचारिणी ब्रह्मकुमारी संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी, जिन्हें सभी प्यार से दादी गुलजार भी कहते हैं, वे अपने नाम की तरह ही निर्मल पवित्रता और लोगों के मुरझाए जीवन में गुलजार करने वाली विशेष व्यक्तित्व की धनी थी। दिव्य मुस्कान, दिव्य दृष्टि और ओजस्वी वाणी से करोड़ों लोगों के हृदय में माँ के रूप में वास करने वाली स्वयं भाग्य विधाता भगवान की संदेश वाहक थी, जो व्यक्त से अव्यक्त हो गई। दादी गुलजार जी का जन्म सन 1928 में कराची में हुआ था। जब वे मात्र 8 वर्ष की थीं, तब उन्होंने संस्था के साकार संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा द्वारा खोले गए ओम निवास बोर्डिंग स्कूल में अपना एडमिशन लिया और चौथी कक्षा तक वहीं से शिक्षा ग्रहण की। उस स्कूल में ब्रह्मा बाबा और संस्था की प्रथम मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा जी के स्नेह, प्यार और दुलार ने इतना प्रभावित किया कि छोटी सी उम्र में ही उन्होंने अपना जीवन बाबा और मम्मा के समान बनाने का निश्चय किया। दादी हृदय मोहिनी जी का गंभीर व्यक्तित्व ही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। इसलिए भले ही दादी जी ने चौथी कक्षा तक ही पढ़ाई की, लेकिन तीक्ष्ण बुद्धि होने से वे जब भी ध्यान में बैठती थीं, तो उन्हें दिव्य अनुभूतियां होने लगती थीं। बचपन से ही विशेष योग साधना के चलते उनका व्यक्तित्व इतना दिव्य हो गया था कि उनके संपर्क में आने वाले लोगों को अक्सर अलौकिक अनुभव हुआ करते थे। उनके चेहरे पर तेज का आभामंडल उनकी तपस्या की कहानी साफ बयां करते थे। दादी जी ने जो 14 वर्षों तक ब्रह्मा बाबा और मम्मा के सानिध्य में रहकर गहन योग साधना की, उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से उनकी रूहानी चलन और दिव्य कर्म से दिखाई देता था। दादी जी का पूरा जीवन सादगी, सरलता और सौम्यता की मिसाल रहा। राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी को 1969 में एक विशेष उपलब्धि हासिल हुई, जो दुनिया के किसी भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। 18 जनवरी 1969 को संस्था के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के देहावसान के बाद परमात्मा ने खुद को पृथ्वी पर साकार करने के लिए दादी हृदय मोहिनी जी के शरीर को चुना। यही से यह परमात्मा की संदेश वाहक बन गई। 18 जनवरी सन 1969 में पिता श्री ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। उन्होंने परमात्मा के आदेश अनुसार परमात्मा की संदेशवाहक और दूत बनकर लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान और दिव्य प्रेरणा देने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दादी जी ने सन 1969 से लेकर 2016 तक संस्थान के मुख्यालय माउंट आबू में हर वर्ष आने वाले संस्था से जुड़े लाखों लोगों को परमात्मा का दिव्य संदेश देकर उन्हें दिव्य गुणों और अष्ट शक्तियों से भरपूर करने तथा संस्कारों को दिव्य व महान बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्हें देखकर यह कहना गलत न होगा कि हाँ, उनमें स्वयं भगवान दिखाई देते थे। उनसे परमात्मा का दिव्य साक्षात्कार होता था। उनके हर श्वास और संकल्प में सिर्फ और सिर्फ विश्व कल्याण समाया हुआ होता था। आजकल बाबा का यही चल रहा है कि विस्तार में नहीं जाओ, सार में रहो। जो भी अनेक बातें होती है, जो व्यर्थ संकल्प को पैदा करती है, उसको अंदर ही समा दो। तो ये जो बाबा ने काम दिया है, अगर विस्तार को सार में समा देंगे तो व्यर्थ संकल्प खत्म हो जाएंगे। चुंबकीय आकर्षण मूर्त व्यक्तित्व की धनी दादी हृदय मोहिनी जी को नॉर्थ ओडिशा विश्वविद्यालय बारीपाड़ा ने डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि से विभूषित भी किया। यह उपाधि ओडिशा में
प्रभु के संदेश वाहक के रूप में लोगों में आध्यात्मिकता का प्रचार प्रसार करने और समाज सेवा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान देने पर प्रदान किया गया था। असाधारण व्यक्तित्व की स्वामिनी दादी गुलजार जी की महिमा को चंद शब्दों में बयां करना उतना ही कठिन है जितना नदी में सागर को समाना। ऐसी महान विभूति दादी जी, जिन्होंने हमेशा सभी को वरदानों से भरपूर किया, उनसे मिलने वाले हर शख्स ने स्वयं को पद्मापदम भाग्यशाली होने का अनुभव किया है। 27 मार्च 2020 वो अप्रिय दिन जिसे शायद ही संस्थान का कोई सदस्य भूला हो, जब संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका 104 वर्षीय राजयोगिनी दादी जानकी जी का देहावसान हुआ था। उनके निधन के बाद आपको ही संस्थान की मुख्य प्रशासिका के रूप में नियुक्त किया गया था। भले ही तब आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ थीं, लेकिन रूहानी उड़ान और दिव्य दृष्टि द्वारा आप समय समय पर लोगों में स्वपरिवर्तन का बल भरती रहीं। आपकी उपस्थिति में ही वो चमत्कारिक शक्ति थी जो लोगों में लगातार आस और विश्वास का दिया जलाए रखती थी, सभी को एक सुरक्षित छत्र छाया का अनुभव कराती थी। ऐसी प्रेम वात्सल्य मूर्त शक्तिपुंज दादी हृदय मोहिनी जी 11 मार्च 2021 प्रातः 10:30 बजे सभी से विदाई लेते हुए परमात्मा की गोद में समा गईं। जिस समाचार को सुनकर न केवल ब्राह्मण परिवार ने उन्हें स्नेह श्रद्धांजलि अर्पित की, बल्कि देश भर से ट्वीट, मैसेज, पत्र व वीडियो के जरिए कई हस्तियों ने अपना शोक संदेश भेजकर अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं। आप सादगी, सरलता और सहिष्णुता की अवतार थी। आपने अपना संपूर्ण जीवन मानव जाति के उत्थान के लिए लगाया और वर्तमान समय ब्रह्म कुमारी संस्था के मुख्य प्रशासिका के रूप में 142 देशों में फैली शाखाओं का कुशल नेतृत्व किया। आपके जाने से एक बहुत बड़ा स्थान रिक्त हो गया है। ऐसी महान राजयोगिनी बाल ब्रह्मचारिणी दिवंगत आत्मा को मैं हृदय से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम शांति। नारी शक्ति की मिसाल दुर्गा, काली और सरस्वती के समान दादी जी का जाना निश्चित तौर पर एक रिक्त स्थान छोड़ गया। दादी दिव्य फरिश्ता बन इस दुनिया से चली गई, लेकिन उनकी आभा से समस्त महिलाओं को शक्ति की प्रेरणा मिलती रहेगी। दादी भले ही स्थूल रूप से हमारे बीच में अब नहीं रही, लेकिन उनकी बहुमूल्य शिक्षाएं, अनंत प्रेरणाएं, उनसे हुई रूहानी मुलाकातें सदा हमारे दिल में, हमारी यादों में बसी रहेंगी। हम परमात्मा के साकार रथ यानी दादी जी के मुख से निकले हर वर्जन्स को अपने जीवन में उतारकर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।